हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ब्लाउज कटिंग करना। तो ये देखिए, ये ब्लाउज पीस है, पीस पर ही कटिंग करेंगे। तो पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका सीना होगा 40 इंची, कमर होगा 32 इंची, लंबाई होगा 13 इंची और इसका बाजू का, इसका गला का, आगे का गला 6 इंची पर बनेगा, पीछे का गला 8 इंची पर बनेगा। इसमें डोरी वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। और फिटिंग के साथ ये ब्लाउज कैसे बनता है, नए लोग भी सीख सकते हैं और जिन्हें सिलाई आती है वो भी लोग सीख सकते हैं। और फिटिंग के साथ, फिनिशिंग के साथ। तो कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ से ये देखिए 10 इंच, इसका सीना 40 इंची है तो एक चौथाई हम लेंगे 10 इंची। ये देखिए सीना होगा 40 इंची तो एक चौथाई हम 10 इंची पर लगाएंगे। ये देखिए 10 इंची, अब इसमें हम सिलाई मार्जिन लेंगे 2 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये देख सकते हैं 10 का डबल करेंगे तो होगा 20 इंची, 20 इंची आगे का सीना होगा तो 20 इंची पीछे का होगा, तो 40 इंची आपका अपने आप हो जाएगा। इसमें 2 इंची हम सिलाई मार्जिन लिए हैं। देखिए यहाँ से निशान ऐसे करके उंगली रखेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसका लंबाई देखेंगे। ये देख सकते हैं इसका लंबाई 15 इंची है, ये बिल्कुल ठीक है। ज्यादा होगा तो हम बाद में कटिंग करके निकाल देंगे, कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं इसको हम यहाँ से ऐसे करके खोल देंगे। आगे पीछे का पल्ला हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो आप भी ऐसे ही कटिंग करिए और फिटिंग फिनिशिंग के साथ ब्लाउज कटिंग करिए। कटिंग आपका अच्छा होगा तो स्टिचिंग अपने आप अच्छा होगा। ये देखिए हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। जिन्हें नहीं आता है वो लोग भी, अगर मेरी आवाज मेरी बातें समझ में आ रही है, वो सिलाई सीख सकते हैं। सिलाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान और इजी तरीका है। बस आपको गिनती आना चाहिए, बस सिलाई सीख गए। तो ये देखिए यहाँ से हम ऐसे करके बनाएंगे। ये देख सकते हैं इसको हम फोल्ड फोल्ड कर दिए। अब हम यहाँ से इसका जितना सीना होगा, तो देखिए 40 इंची सीना है तो एक चौथाई हमारा आएगा यहाँ से 10 इंची, 10 इंची यहाँ निशान लगाएंगे, 10 इंची पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। तो ये 40 इंची का हो जाएगा, ये बाकी का कपड़ा हो गया हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। ये देख सकते हैं इस तरह से सिलाई मार्जिन। आप 2 इंची भी ले सकते हैं, 1.5 इंची भी ले सकते हैं, 1 इंची ले सकते हैं। तो देखिए जब भी आप सिलाई मार्जिन लीजिए तो 1 इंची से कम नहीं लीजिए और 2 इंची से ज्यादा नहीं लीजिए। तो ये देखिए इसमें 2 इंची है तो ये बिल्कुल ठीक है। ये मार्जिन इसलिए है ताकि हम जब कपड़ा इसको छोटा बड़ा हो जाए तो इसको हम ढीला कर सकते हैं। किसी किसी का छोटा हो जाता है रखने के बाद, तो इसके लिए। अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम इसका ऐसे करके तीरा बनाएंगे 5.5 इंची। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम इसका ऐसे करके इसका आर्म होल लेंगे 5 इंची पर, बिल्कुल 5 इंची पर लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। नए लोग क्या करते हैं कि 5 इंची से ज्यादा इसका ले लेते हैं आर्म होल, तो वही यही गड़बड़ होता है बाजू फिटिंग करने में। और बाजू बड़ा होने के कारण आर्म होल, तो इनको ना बाजू सेट करने में दिक्कत हो जाता है, यहाँ पर फूल जाता है। तो जब भी आप लीजिए 5 इंची ही लीजिए। अब यहाँ से हम इसको यहाँ से ऐसे करके देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से आगे पीछे का पल्ला एक साथ कटिंग हो रहा है, तो यहाँ से हम 1 इंची पर गोलाई बनाएंगे। वही जब हम इसको, हम कैसे गोलाई बनाते हैं, ये जितना हम लिए हैं पार्ट वहां से हाफ कर देंगे, यहाँ से जितना लिए हैं उसको हाफ कर देंगे ऐसे करके। अब इसको हम ऐसे करके ये पीछे पल्ले के लिए हम निशान बनाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। वही जब हम आगे का बनाएंगे तो यहाँ इसको है ऐसे कर देंगे। अब इसको हम कहाँ से लाना है, यहीं से लाना है, इसको हम यहाँ से ऐसे करके ले जाएंगे। आगे पल्ले में थोड़ा सा डाउन करके एक सूता आप यहाँ से डाउन करके भी ला सकते हैं, नहीं तो इसी निशान पर भी ला सकते हैं। इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब ये देखिए हम गला बनाएंगे पीछे का, आगे का गला हम बनाएंगे यहाँ से ऐसे खिता रखेंगे तीरा के ऊपर से 6 इंची। देखिए नीचे का पल्ला है, आगे का पल्ला नीचे वाला पार्ट है तो नीचे वाला 1 इंची बड़ा है। जब भी हम लेंगे कपड़ा ऐसे फोल्ड फोल्ड करके तो आगे का पल्ला हमारा 1 इंची रहेगा बड़ा और पीछे का 1 इंची छोटा, क्योंकि आगे के पल्ले में टेकिन वगैरह पड़ता है तो ये कपड़ा तनता है इसलिए। अब यहाँ से हम बनाएंगे, ये देखिए पीछे का पल्ला में हम गला बनाएंगे 8 इंची पर।
जिनका है उनका 8 इंची पर ही है तो 8 इंची, नहीं तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, 10 इंची भी ले सकते हैं, 9 इंची भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 8 इंची ले रही हूँ पीछे का, आगे का 6 इंची इस तरह से। और यहाँ से देखिए गला बनाएंगे हम ऐसे करके 2 इंची का, और यहाँ से हम बनाएंगे पीछे के पल्ले में ऐसे करके 2.5 इंची इस तरह से। इसको हम यहाँ से ऐसे करके निशान लगाएंगे, देख सकते हैं ऐसे करके यहाँ से फैला देना, मतलब कि ब्लाउज में गला इसका बहुत फिनिशिंग के साथ बनता है, नहीं तो 2 इंची पर ही देंगे तो पीछे से चिपकल चिपकल अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से बनाइए, आप चाहे तो 2.25 भी ले सकते हैं, लेकिन बराबर नहीं लेना है, 2 इंची नहीं लेना है, 2.25 या 2.5 या 3 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2.5 इंची लिए हैं। तो ये देखिए पूरा निशान लग चुका है। अब हम यहाँ से पीछे का टेकिंग बनाएंगे। टेकिंग कैसे बनाना है ये देखिए, यहाँ से 10 इंची पर ऐसे निशान लगाएंगे, देख सकते हैं फीता 10 इंची पर, और इसको हम हाफ कर देंगे ऐसे करके। अब इसको हम ऐसे करने के बाद ये देख सकते हैं इसको हम टेकिंग का उठाव देंगे 4 इंची। पीछे का पल्ला है तो 1/2 इंची इधर, 1/2 इंची इधर, 1 इंची पर हम इसका टेकिंग बनाएंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए पीछे का पूरा निशान लग चुका है, हम इस पर अब कटिंग कर देंगे। कम से कम समय में आपका ब्लाउज कटिंग होगा और फिनिशिंग के साथ होगा। इस तरह से ब्लाउज कटिंग करिए, स्टिचिंग करिए, देखिएगा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखिए यहाँ से हम पीछे का गला कटिंग कर दिए, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम यहाँ से आगे का गला कटिंग करेंगे, एक साथ दोनों गला नहीं कटिंग करना है, इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम देखिए यहाँ से हम तीरा अलग कर देंगे, ये हो गया आगे का और ये होगा पीछे का, ये देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और कटिंग करेंगे, सिर्फ पीछे के पल्ले में ही इसको 1/2 इंची कटिंग करना है, ये देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ से भी हम टेकिंग का यहाँ पर ऐसे करके कटिंग कर देंगे, ताकि हम जब सिले तो दोनों टेकिंग बराबर आना चाहिए। अगर नए लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी यूजफुल वीडियो है, आप यहाँ से सिलाई का देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो मैं इससे भी इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी, तो हमें कमेंट करिए, तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, नहीं तो इतना पर पूरा समझ में आएगा। अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो आपको सिलाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए आगे के पल्ले में हम 1/2 इंची और कटिंग करेंगे, इसको कैसे करना है यहाँ से ऐसे करके जो हमने बताया था, लेकिन 1/2 इंची हम इसको कटिंग नहीं किए हैं, तो इसको हम अब कटिंग करेंगे इस तरह से। अब इसका हम सीना का निकाल देंगे यहाँ से ऐसे करके 10 इंची, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसमें यहाँ से देख सकते हैं जितना है 10 इंची है, इसको हम हाफ कर देंगे। जब भी टेकिंग का बनाइए ऐसे ही बनाइए, तभी आपका टेकिंग परफेक्ट तरीका से बैठेगा। कोई आदमी होता है यहाँ से ऐसे करके 4 इंची पर बना दिए, 3 इंची पर बना दिए, यहाँ से आप अगर टेकिंग का बनाएंगे तो ये टेकिंग आगे पीछे हो जाएगा, बराबर आपका टेकिंग नहीं बैठेगा। जब भी बनाइए ऐसा ही बनाइए, तभी आपको अच्छा होगा। ये देखिए यहाँ से जहाँ पर यहाँ पर है यहीं से हम इसका टेकिंग का बनाएंगे, तो यहाँ से हम लेंगे 10 इंची पर, ये देख सकते हैं यहाँ से ऐसे 10 इंची, इसको हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे ऐसे करके, देख सकते हैं ऐसे। अब हम यहाँ से लेंगे ऐसे करके, थोड़ा सा फीता को तिरछा करना है 2 इंची इधर, इधर से भी हम ऐसे करके लेंगे, थोड़ा सा तिरछा करेंगे 2 इंची इधर, इधर से भी हम लेंगे इसको ऐसे करके, देख सकते हैं ऐसे, इस भी यहाँ से भी 2 इंची। देखिए अब ये चारों टेकिंग का मुंह एक साथ हो गया, जब हम इसको टेकिंग को बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अगर आप प्रिंसेस कट बनाना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे ऐसे करके डॉट की तरह इसको ऐसे दे देंगे तो ये प्रिंसेस कट में आ जाएगा। तो ये प्रिंसेस कट में ये टेकिंग और ये टेकिंग होता है, ये टेकिंग नहीं होता है। तो मैं आपको सादा ब्लाउज ही बता रही हूँ। और ये देखिए
आगे का हम टेकिन बनाएंगे डेढ़ इंची पर। डेढ़ इंची को ऐसे रखना है फीता के बीचों बीच, और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इस तरह से हम टेकिन बनाएंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम टेकिन बनाएंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे करके लेंगे। ये देख सकते हैं, जब भी हम स्टिचिंग करें या सिलाई करें तो इसको हमको यहाँ से ज्यादा लाना है, यहाँ से नोकी निकाल के बनाना है टेकिंग को, तभी आपका टेकिंग परफेक्ट तरीका से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पफ बनेगा। तो स्टिचिंग का देखना होगा, तो अगली वीडियो में मैं बनाऊंगी, नहीं तो इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं स्टिचिंग का अगली में बनाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे, बाकी सेम निशान लग चुका है। देखिए, इतना कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे करके देखेंगे, ये देखिए इधर सेम निशान उगाने के लिए इसको हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इधर भी हल्का हल्का उग गया है, इसी पर हम डार्क कर देंगे। यहाँ से आगे से हम खुला बनाएंगे, यहाँ से आई हुक बनाएंगे, तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसका यहाँ से ऐसे करके नापेंगे, इसका हम आर्म होल यहाँ से देखेंगे तो इसका आ रहा है 9 इंच, 9 का डबल करेंगे तो 18 इंची, 18 इंची इसका आर्म होल आ रहा है। तो इसी तरह से हम इसका बाजू कटिंग करेंगे।